हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैं दिन भर में क्या क्या मील प्रिपेयर करती हूँ वो। तो सबसे पहला जो मील मैं बना रही हूँ वो है सूटी आलू की सब्ज़ी, और उसके साथ हम लोग खाएंगे चावल। और इन द मीन वाइल ये सब किचन में काम करते करते एक तरफ मैं दूध भी बैठा दे रही हूँ, और अभी मैं लग गई हूँ सूटी आलू की सब्ज़ी बनाने में। तो सूटी ये वेजिटेबल को सहजन और मुनगा भी कहा जाता है। आप लोग क्या कहते हैं अपने लैंग्वेज में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और बस उसको मैं काट ली हूँ और उसे बॉईल कर रही हूँ मैं 7 मिनट के लिए, और एक तरफ मैं आलू काट ले रही हूँ। तो ये सूटी ना बेबी मतलब एकदम बच्चा खिच्चा वाला जिसको बोला जाता है वो था सूटी। तो मुझे ना इसको बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी ये, क्योंकि सूटी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे पील करके हटाना पड़ता है, बट ये क्योंकि इतना खींचा था तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या किया है कि कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा है और उसमें तेल ऐड की हूँ। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ली हूँ और उसमें डाली हूँ मेथी दाना और हींग। मेथी जैसे ही पिंक कलर ले लिया तो उसमें मैं डाल रही हूँ डाइस किए हुए पोटैटोज़, और उसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि एक अच्छा सा गोल्डन रेड कलर ना आ जाए पोटैटोज़ में। और जो मैं सूटी भी बॉयल करके रखी हुई थी एक तरफ, उसको भी मैं अच्छे तरीके से छान लूँगी और फिर मैं कढ़ाई में उसे भी ऐड कर दूँगी। तो बस अभी सूटी और आलू को थोड़ा रेड होने तक भूनना है, और जब तक ये भुनेंगे तब तक मैं इसमें जो मसाला जो जाएगा उसको रेडी कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग जार में ले रही हूँ 1 चम्मच काला सरसों, और उसके साथ मैं लूँगी 2 चम्मच पीला सरसों, और पीला सरसों के बाद इसमें जाएगा कुछ लहसुन। तो बस वो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों जितना लिया है उसका जस्ट डबल मैं लहसुन ले रही हूँ, और फिर थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर। जिंजर के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। तो बस इसका एक फ़ाइन पेस्ट मैं तैयार कर ली हूँ और उसको ऐड कर दी आलू और सूटी में। तो यहाँ पे ना मैं आलू और सूटी को पूरा रेड करके भूनी थी, और फिर जो मैं मसाला प्रिपेयर की वो इसमें ऐड कर दी हूँ। तो ये मसाला ना सरसों मसाला हम इसे कहते हैं, और मैंने अपने कई वीडियोस में ये मसाला की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो एक बार इस मसाले से आप भी ट्राई करके देखिएगा सब्ज़ी। और जब तक सब्ज़ी भुन रहा है तब तक मैं एक तरफ चावल धो लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि इस सब्ज़ी के साथ हम चावल आज खाने वाले। तो इसे देखिए मैं किस तरीके से कढ़ाई को स्क्रेप करते करते भून रही हूँ। एक चीज़ यहाँ पे और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जितना गरम मसाला की जो सब्ज़ी हम बनाते हैं उसे भूनने में जो भी टाइम लगता है, तो जो सरसों मसाला का सब्ज़ी है वो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही मसाला थोड़ा भून गया तो इसमें अभी मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटोज़। एक्चुअली जो सरसों मसाला है उसको ज़्यादा हम इसलिए नहीं भूनते हैं क्योंकि सरसों का जो टेस्ट होता है वो होता है कड़वा, और उसे अगर हम ज़्यादा भून लेते हैं तो उसमें एक कड़वापन आ जाता है। इसलिए बहुत ही सही अंदाज से इसे भूना जाता है। तो अभी मेरा मसाला भून के रेडी हो चुका है, तो इसमें मैंने ऐड किया है गर्म पानी, और गर्म पानी ऐड करने के बाद इसमें दे रही हूँ एक अच्छा सा स्टर, और बस इसमें एडजस्ट कर दूँगी अभी नमक, और इसे ढक के और छोड़ दूँगी बॉयल आने के लिए इसमें। और बीच बीच में कवर हटा के स्टर करना ज़रूरी होता है,
तो बस वही अभी मैंने किया, कवर हटाया और फिर इसे दी हूँ एक अच्छा सा स्टर। और इसके साथ साथ मैं चावल भी बनने के लिए रख दी हूँ और 5 से 6 मिनट बॉयल प्रॉपरली होने के बाद एक बार चेक कर ले रही हूँ आलू प्रॉपरली कुक हुआ है या नहीं। और इसी स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ धनिया पत्ता, तो आलू थोड़ा और कुक होगा इसलिए मैं फिर से इसे कवर करके और छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट कुक होने के लिए। और एक तरफ सब्जी रेडी हो रही है और साथ साथ मेरा चावल भी रेडी हो रहा है। तो बस अभी मेरा चावल और सब्जी दोनों बन के रेडी हो चुका है, तो मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। और ये जो सरसों मसाला का सब्जी होता है वो पीपिंग हॉट चावल के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है, एक बार ट्राई आप ज़रूर करके देखिएगा। और ये आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक DIY। तो इस DIY से ना मैं आजकल अपना जो एंट्रेंस वाला डोर होता है जिसको कि हम बार बार टच करते हैं अंदर आते वक्त या बाहर जाते वक्त, तो उसको मैं आजकल इसी से डिसइनफेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलिन का बॉटल लिया हुआ है स्प्रे वाला और उसमें मैं हाफ पूरा भरी हूँ पानी और उसमें ऐड की हूँ एक ढक्कन डिटॉल लिक्विड और बस इसको स्प्रे मोड में ला के और फिर इसी से स्प्रे कर देती हूँ अपने पूरे हैंडल में गेट के और जो भी जहाँ भी हम छूते हैं जब भी हम बाहर निकलते हैं और फिर हम जब घर के अंदर आते हैं तो वो वाला हैंडल को। तो बस ये भी इफ़ेक्टिव है, मुझे ऐसा फील होता है इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। और ये जो DIY है उससे मैं क्लीनिंग भी करती हूँ। पानी कैसे तुम डाल रहे थे फ्लावर में? कैसे, किससे? वो फ्लावर गंदा वाला है। छी, अच्छा। उसी पानी में डाल दो ना, उसी पानी में डाल दो झरना। ते पानी कैसे? और यहाँ पे शिवाय लगा हुआ है अपनी बदमाशी में और उसे पानी में खेलना आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इस तरह से मैं करके उसे दे देती हूँ ताकि वो थोड़ा खेले। और मेरे हस्बैंड लगे हुए रहते हैं आजकल पूरा टाइम अपने ऑफिस के काम में और ये टाइम थोड़ा फ्री होता है तो फिर मैं जो क्लोथ वाला जो काम होता है उसमें लग जाती हूँ। तो अभी मैं कल के जो धुले हुए कपड़े सूख चुके हैं उनको उठा रही हूँ और जो आज कपड़े धुले हैं उनको अभी फैला दूंगी। और ये एक जो पानी वाला जो ऐसे पानी में खेलना शिवाय को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और अभी समझ भी है तो ठीक भी है अगर वो खेल रहा है तो, बट देन वो हटना नहीं चाहता है इस चीज़ से तो वो थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बस अभी सारे कपड़े मैं कर ली तो मैं फिर किचन में आई हम लोगों के लिए इवनिंग का स्नैक प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहा। तो मैंने कढ़ाई को गर्म किया, उसमें ऐड की हूँ ग्राउंड नट ऑयल, उसमें ऐड की हूँ मस्टर्ड सीड और करी पत्ता और थोड़ा सा मूंगफली। और जैसे ही थोड़ा मूंगफली भून गया तो मैं इसमें ऐड की हूँ प्याज और गाजर और पोटैटोज़। तो मेरे पास यही उस दिन वेजिटेबल अवेलेबल थे तो मैंने इतना ही वेजिटेबल ऐड किया। आप अगर चाहें तो और अपने चॉइस के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी और इसे कवर करके मैं भून रही हूँ ताकि जो गाजर और आलू मैंने ऐड किया है वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो अभी इस स्टेज पर मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया है सॉल्ट और दे रही हूँ फिर एक अच्छा सा मिक्स और फिर से लेड लगा के और छोड़ दे रही हूँ कुक होने के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड की हूँ बिल्कुल थोड़ा सा शुगर और फिर से दी हूँ एक अच्छा सा मिक्स इसमें।
और फिर से कुक होने के लिए छोड़ दी हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। और इन द मीन वाइल जब तक सब्जी प्रिपेयर हो रहे हैं तब तक मैं चूड़ा को 2 से 3 बार धो लेती हूँ और उसका जितना पानी होता है वो हटा के उसे छोड़ देती हूँ थोड़े देर के लिए। तो इससे ना बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं बनता है मेरा पोहा और बिल्कुल खिला खिला बनता है। तो अभी कढ़ाई का मैंने लिड हटाया और सब्ज़ी को दी हूँ एक अच्छा सा मिक्स और फिर से लिड लगा के इसे कुक होने के लिए छोड़ दी हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि सब्ज़ी और थोड़ा सा कुक होंगे। अगेन 3 मिनट के बाद मैं फिर से चेक की हूँ लिड हटा के, तो मैंने देखा कि सब्जी प्रॉपरली कुक हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे जो मैंने पोहा धो के रखा हुआ था वो अभी मैं ऐड कर दूँगी इस सब्ज़ी में। मैं बार बार चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी गले हैं या नहीं गले हैं। तो मुझे जब ऐसा फील हुआ कि ये सब्ज़ी अच्छी तरीके से गल गए हैं, जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गई तभी मैं इसमें ऐड की हूँ जो मैंने सोक करके पोहा रखा हुआ था वो, और दे रही हूँ एक अच्छा सा मिक्स। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू, यहाँ पे मैं हाफ नींबू ली हूँ। और बस इतना ध्यान रखना है जब भी हम नींबू स्क्वीज़ करें तो कि कोई भी बीज नहीं जाना चाहिए पोहा में, क्योंकि अगर वो मुंह में पड़ता है तो फिर वो उससे बहुत ज़्यादा ख़राब टेस्ट माउथ में आ जाता है। तो बस अभी पोहा अच्छी तरीके से भुन गया है तो इसे मैं फिनिश करूँगी कोरिएंडर लीफ के साथ। और अगेन दे रही हूँ एक अच्छा सा मिक्स पोहे में और बस इसे अभी हम सर्व कर लूँगी मैं हम लोगों के लिए। तो ये जो पोहा है वो शिवाय को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इस टाइप का कोई भी चीज़ जैसे राइस हो गया या सूजी का उपमा हो गया या पुलाव पोहा, ये सब चीज़ शिवाय को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और पोहा के साथ मैं और मेरे हस्बैंड लेंगे ग्रीन टी। तो बस भाई अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, दोनों कप में मैं एक एक बैग रखी हूँ ग्रीन टी का और उसमें ऐड की हूँ थोड़ा सा हनी और बस गर्म पानी ऐड करके मिक्स दे के इसमें, और हम लोगों के लिए मैं सर्व कर ली हूँ ये। तो बस अभी हम ले के बैठे हुए हैं पोहा और चाय गर्मा गर्म। और मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हम तीनों जब भी खाएं तो साथ में ही बैठ के खाएं, बट कभी कभी ये ऐसा दिन भी होता है कि हस्बैंड रह जाते हैं अपने काम में और मैं और शिवाई ही अकेले अपना जो भी मील होता है वो लेते हैं। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ हम लोगों के लिए आलू का पराठा। तो मैं यहाँ पे आलू बॉयल करके रखी हुई हूँ, उसमें ऐड की हूँ मैं नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा पेपर पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बस इसको दे रही हूँ एक अच्छा सा मिक्स। और मैं यहाँ पे ना किसी तरह का मिर्च इसमें नहीं ऐड की हूँ, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। और इसमें जैसे कलर के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं या चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं या हरा मिर्च कटा हुआ ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैं आलू को अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिक्स कर ली हूँ और आलू को ना बहुत ही स्मूथली मैं मिक्स की हूँ। और अब इसमें ऐड करती जा रही हूँ मैं आटा। तो आटा मुझे उस क्वांटिटी में चाहिए इस आलू में जितना कि ये आलू का जो मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर ले, और ये सब को मिक्स करते करते इनका एक अच्छा सा डो प्रिपेयर हो जाए। तो अभी आप देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो बस इसे इसी तरीके से प्रेस करते करते इसको मिक्स करते चले जाना है, और एक टाइम पे आप देखेंगे कि थोड़ा मॉइस्चर इसमें से कम हो जाएगा, ये हाथ में चिपकना कम हो जाएगा। तो बस यही इसका इंडिकेशन है कि डो परफेक्ट रेडी हो चुका है। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन कोरिएंडर और थोड़ा सा और मैं ऊपर से इसमें आटा ली हूँ, और इसे अगेन अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मैश करते हुए और मिक्स करती चली जा रही हूँ। और एक टाइम पे ना बहुत ही अच्छा इसका डो प्रिपेयर हो जाएगा,
तब मैं अपने हाथ में थोड़ा सा इसमें ऑयल लूँगी या घी लूँगी और इसमें ना अच्छी तरीके से ऊपर फैला दूँगी उस घी को, और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। और फिर मैं अभी तवा गर्म कर रही हूँ और एक एक जो लोई है उस डो का वो लेके उसकी रोटियाँ बेल ले रही हूँ। और इस तरह से पतली पतली रोटियां बेल लेना है, और ये कुछ इस तरह का दिखता है, और बस इसे गर्म तवे पे डाल देना है और बस इसको सेक लेना है। तो जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं उसी तरह से ये सिकेगा। तो अभी मैं दूसरी रोटी भी बेल के रख ले रही हूँ। एक तरफ से सिक गया ये रोटी तो मैं इसे पलटती हूँ, और अभी एक तरफ मैं इसमें अप्लाई कर दी हूँ घी, और अभी मैं दूसरे तरफ भी अप्लाई कर दे रही हूँ घी, और इसे अच्छी तरीके से प्रेस करते करते इसे मैं सेक ले रही हूँ। तो जैसे ही पराठे में चित्तियाँ दिखने लगेंगी तो इसका मतलब है कि पराठा सिक चुका है। तो इसी तरह से फ्लिप कर करके उलट पलट के अच्छी तरीके से सेक लेना है रोटी को। तो ये देखिए अभी मेरा पहला पराठा सिक के रेडी हो चुका है, और ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही डिलीशियस। आप एक बार इस तरह से भी आलू का पराठा बना के ज़रूर एक बार देखिएगा। ये पराठा ना टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और एक तरह से समझ लीजिए माउथ मेल्टिंग पराठा होता है ये। तो अभी मैं इसे सबसे पहले शिवाय को सर्व की हूँ। कैसा है? यस बेबी। और इस रोटी को मैं शिवाय को सर्व की हूँ टोमेटो सॉस और मेयोनीज के साथ, तो वो काफ़ी इंजॉय कर करके ये खा लेता है, और हम भी इसी के साथ खाते हैं ये रोटी सॉस और मेयोनीज, और उसके साथ कभी कभी हम प्रेफर करते हैं अचार भी लेना। तो बस यही था आज का पूरा दिन हमारा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे आप आए हैं और आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आप लोगों से मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा ध्यान, और घर पे ही रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। और अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।